को तेरी जरूरत है। हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। जाने तू आ जा, हे पावनात्मा। मैं तो प्यासी हूँ मेरी प्यास बुझाने तू आ जा, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। जोड़ने को तू आ जा, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, पावनात्मा। चंगा करने तू आ जा, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ मुझको चंगा करने तू आ जा, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है।
इतने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। कितने कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे सजाया है, तूने मुझे सजाया है। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए इस समय हम समस्त संसार के उद्धार के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के पावन और पवित्र उपस्थिति के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु की दया और करुणा समस्त मानव जाति पर पड़े, इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें।
मेरे पीछे दोहराइए, हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए, सूली पर अपने प्राण त्याग दिए, तेरे क्रूस मरण द्वारा, तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए, आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है, जीवन का स्रोत फूट निकला है, और तेरे पवित्र हृदय से, और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए, सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा, दया का सागर उमड़ पड़ा, हे जीवन के स्रोत, हे जीवन के स्रोत अथा ईश्वरीय दया, अथा ईश्वरीय दया सारी दुनिया को, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले, अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व, और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर, हमारे लिए अर्पित कर यीशु के पावन हृदय से, यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए, हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में, दया के स्रोत के रूप बह निकले, बह निकले हे रक्त और जल, हे रक्त और जल हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पड़ा, कुआरी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, दिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनर्थान और जीवन पर विश्वास करती हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है तुम उस देश के लिए, उस नगर के लिए प्रार्थना करो जहाँ मैंने तुम्हें निर्वासित किया है। प्रभु यीशु, इस समय हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं संसार भर के हर एक देश, गांव, शहर के लिए। प्रभु यीशु, हर जगह अपनी शांति देना, सभी शासकों पर, धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं नगर की रक्षा करने वाले हर एक प्राणियों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, आपकी विशेष शांति मांगते हुए, पूरे देश को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, अपनी शांति सामर्थ्य को इस पूरे देश में देना। प्रभु यीशु, सबों को, सभी धर्म गुरुओं को, धर्म नेताओं को अपने ईश्वरीय ज्ञान से, प्रज्ञा से, बुद्धि और विवेक से भरना यीशु, ताकि प्रभु यीशु वो तेरी प्रज्ञा को पाकर, तेरे विवेक को पाकर, प्रभु यीशु इस समस्त राष्ट्र को, इस मानव जाति को प्रभु यीशु अच्छे से शासन कर सके और इस देश को आगे बढ़ा सके। हे प्रेमी अबा पिता, समस्त संसार में तेरी शांति आए। 2000 वर्ष पहले तूने जो शांति हमारे लिए छोड़ गया था, आज वही शांति हर एक मानव जाति प्राप्त करे और शांति में अपने जीवन को बिताते हुए प्रभु यीशु, इस समाज में रहते हुए प्रभु वो तुझे जान सके, तुझे पहचान सके और तेरी शांति का अनुभव कर सके। इस मतलब के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखभोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखभोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखभोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखभोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखभोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखभोग के नाम पर, हम पर
सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु यीशु, इस समय हम विशेष कर उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी युवक युवतियों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन को मनमाना ढंग से जीते हैं। प्रभु यीशु, तुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, अंधाधुंध जीवन जीते हैं। प्रभु, संसार में रहते हुए प्रभु यीशु वो संसारिकता में बह रहे हैं। प्रेमी बापिता, सबों को सद्बुद्धि देना, सत का ज्ञान देना, जो बुरी आदतों में बुरी संगति में फंस कर प्रभु अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। प्रेमी बापिता, अपने घर परिवार से दूर हैं, पढ़ने के लिए दूर देश में जाकर प्रभु यीशु अपना मनमाना जीवन जीते हैं। प्रभु, अपने पैसे को उड़ाते हैं, पैसों को खर्च करते हैं, पढ़ाई लिखाई करना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु, आलस्य का जीवन जीते हैं। हे प्रेमी बापिता, उनके मन को तू परिवर्तित करना। प्रभु यीशु, जिस तरह उस समारिया के कुएं पर बैठकर प्रभु तू समारी स्त्री के इंतजार में बैठा था, प्रभु यीशु तूने उसकी आत्मा की रक्षा की, उसके जीवन को बचाया। प्रभु, आज उसी प्रकार संसार में रहते हुए ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं प्रभु जो निराशाजनक परिस्थिति में प्रभु यीशु अपने विश्वास को खो दिए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। प्रभु यीशु, उन्हें जीवन की कोई राह नहीं मिल रही। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है सत्य मार्ग और जीवन में हूँ। हे प्रभु, आज वही जीवन वही मार्ग उन सभी भाई बहनों को प्रदान कर प्रभु जो अंधकार की शक्तियों में पड़े हुए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। आज उन सभी युवक युवतियों का जीवन आपके हाथों में देते हुए उनके लिए विशेष तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है तुम जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा, उनकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। प्रभु यीशु, इस वचन की योग्यता से हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और उन सभी रोगियों का जीवन आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो प्रभु यीशु चंगाई की राह देख रहे हैं, मुक्ति की राह देख रहे हैं। प्रभु, बिस्तर पर पड़े हुए ना जाने कितने दिनों से वो अपने लिए मौत मांग रहे हैं। प्रभु यीशु, अपने रोगों से परेशान हो गए हैं, थक गए हैं। प्रभु यीशु, आंसू बहा रहे हैं। प्रभु, एकमात्र तू ही उनका सहारा है। प्रभु यीशु, वो आपकी ही राह देखते हैं कि कब कोई आएगा और उन्हें शुद्ध करेगा, उन्हें चंगा करेगा। प्रभु यीशु,
आप उनके घावों को अपने रक्त के द्वारा धो देना। अपने पावन हाथ को बढ़ाकर प्रभु यीशु उनके एक एक घावों को, एक एक दुखों को भर देना यीशु, ताकि वो तुझ पर ही भरोसा रख सके। क्योंकि आपका वचन कहता है समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। प्रेमी बापिता, इस वचन की योग्यता से हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू ही एकमात्र उन सभी रोगियों का सहारा है, विशेष करके जो इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। जितने भी रोगी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, उनको चंगाई देना, उन्हें आशीष और कृपा देना, उनके एक एक घावों के कीटाणुओं को प्रभु यीशु दूर करना, नष्ट करना प्रभु, ताकि वो फिर उनके शरीर में प्रवेश ना करे और वो तुझसे चंगाई पाकर प्रभु तेरी महिमा का बखान एक दूसरे में कर सके। इस मतलब के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान पिता। हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रेमी अब्बा पिता, आपका वचन कहता है हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। प्रभु यीशु, इस समय हम उन सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, जो विश्वास पूर्ण हृदय से तेरे पास आते थे, परंतु अपने दुखों के कारण, परेशानियों के कारण, कुछ कारणवश प्रभु यीशु वो परेशान होने के कारण तुझसे दूर हो गए हैं, तेरे पवित्र आत्मा से विमुख हो गए हैं। प्रभु यीशु, वो अंधविश्वास में चले गए हैं। प्रभु यीशु, अपने जीवन को प्रभु यीशु गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। उनके मन परिवर्तन के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम याद करते हैं तू 99 भेड़ों को छोड़कर प्रभु एक भेड़ के पीछे गया, उसे वापस से उस जाल से बचा के लाया। प्रभु, आज ऐसे संसार भर में बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं प्रभु, जो विश्वास में अच्छे थे, परंतु कुछ कारणवश वो इधर उधर भटक गए हैं, तुझसे दूर हो गए हैं। एक बार फिर से प्रभु उन्हें अपनी उपस्थिति में ले आइए, ताकि वह अपने जीवन को बचा सके। तुझसे जुड़े रहें, व्यक्तिगत प्रार्थना में तुझसे जुड़े रहें और तुझसे ही शक्ति पाकर प्रभु यीशु अपने जीवन को बिता सके। हे प्रेमी अब्बा पिता, आज ऐसे सभी भाई बहनों को जिनका विश्वास टूट गया है, कमज़ोर हो गए हैं, विश्वास कमज़ोर होने के कारण प्रभु वो अंधकार की शक्तियों में, बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, एक बार फिर से तेरे पवित्र प्रांगण में आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। परम प्रसाद में उपस्थित प्रेमी अबा पिता, हम आपसे विशेष कर प्रार्थना करते उन सभी भाई बहनों के लिए जो दीन दुखियों को देखकर प्रभु येसु उनकी दशा को देखकर भी उनकी मदद नहीं करना चाहते, उन्हें ठुकरा देते हैं, उन्हें ठोकर मारते हैं। प्रभु येसु उन्हें दुख देते हैं, तकलीफें देते हैं। प्रभु येसु आज उन सभी भाई बहनों के हृदय के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, उनके पत्थर दिल को, कठोरता भरे मन को प्रभु येसु परिवर्तित कर, ताकि वो अपने हृदय को कोमल बना सके और दीन दुखियों की, निराश और हताश लोगों की मदद कर सके। उनकी प्रभु येसु उनकी विशेष रूप से मदद कर सके, आर्थिक रूप से प्रभु उनकी एक एक सहायता को प्रभु येसु कर सके। प्रभु येसु आपका वचन कहता है, भक्ति से अवश्य लाभ होता है, परंतु उन्हें जो अपने धन संपत्ति में संतुष्ट हैं। प्रभु बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके पास धन रहने के बावजूद भी वो दूसरों की मदद नहीं करना चाहते, दूसरों की सहायता नहीं करना चाहते हैं। प्रभु येसु उनके कठोर दिल को कोमल बनाना प्रभु, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर अपने लिए स्वर्ग में पूंजी इकट्ठा कर सके और तेरी आशीष और कृपा को अपने और अपने परिवार में ला सके। इस मतलब के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस समय हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रभु की शांति को अनुभव करते हुए अंतिम प्रार्थना को एक साथ बोले। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप,
हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे, हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर आप में अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें आमीन आमीन। हे यीशु संसार के मुक्ति दाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे यीशु संसार के मुक्ति दाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे यीशु संसार के मुक्ति दाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम यीशु के पवित्र रक्त द्वारा चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तूने संसार से इतना प्रेम किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा हमारी मुक्ति होती है। तेरे पुत्र का पवित्र रक्त हमारे पापों को मिटाता है, हमें शुद्ध करता है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके शरीर से बहे एक एक बूंद पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगा कर, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है।
यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। आइए हम सारे संसार को प्रभु के चरण में रखते हैं। इस प्रार्थना सभा में बैठे हम हर एक को प्रभु के चरण में रखते हैं। हम हर एक के परेशानियों को प्रभु के चरण में रखते हैं। जितने भी भाई बहन हमारे बीच में बीमार हैं उनको प्रभु के चरण में रखते हैं। जितने भी भाई बहन निसंतान हैं, बेरोजगार हैं, परिवार में तंगी है, सबको प्रभु के चरण में रखते हैं। सबके जीवन में प्रभु की आशीष और प्रभु की कृपा हो। आइए इस प्रार्थना सभा में बैठे हम हर एक को प्रभु के चरण में सौंपते हुए प्रभु की आशीषों की कृपाओं की मांग करते हुए आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति आराधना करते जाए। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तूने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें तेरे प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। तूने चाहा कि इसे अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर और उसके बलिदान की योग्यता से रोगियों के पाप क्षमा कर एवं उन्हें चंगाई दे। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष ले। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। हमें छुड़ाने हमें बचाने, हमें छुड़ाने हमें बचाने। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है।